हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 16 अगस्त 2018 की प्रीलिम्स एडिटर सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज है, वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं हमारी डिस्कशन की तरफ। आज सबसे पहले जो आर्टिकल हम डिस्कस कर रहे हैं वो है महादाई रिवर डिस्प्यूट को लेके। तो सबसे पहले हम महादाई रिवर के बारे में कुछ बेसिक चीज जान लेते हैं, इसके बाद हम आगे हमारे डिस्कशन को कंटिन्यू है वो करते हैं। तो जो महादाई रिवर डिस्प्यूट है क्या, वो भी हम पहले यहाँ पे जानेंगे, और कौन कौन से स्टेट से ये रिवर फ्लो है वो करती है वो भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जब अभी इस ट्रिब्यूनल का निर्णय है वो आया है, फाइनल वर्डिक्ट है वो आए हैं, तो उनको लेके इस आर्टिकल में काफी सारे पॉइंट आ जाते हैं, तो एक बार हम देख लेते हैं। देखो, महादाई रिवर बेसिन है वो एक्चुअली 2032 किलोमीटर की एक लंबी रिवर आई है, जिसका मैक्सिमम एरिया है वो गोवा में फ्लो करता है। गोवा में इसका एरिया हुआ है लगभग 1580 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर एरिया। कर्नाटक की बात करें तो वहां पे 375 स्क्वायर किलोमीटर में फैलती है। इसके साथ ही महाराष्ट्र में इसका 77% स्क्वायर किलोमीटर एरिया है वो कवर है वो करती है। तो ये चीज हमें ध्यान रखने की, जो महादाई रिवर है उसका मैक्सिमम जो हिस्सा है, आप बोल सकते हो कि मैक्सिमम जो ड्रेन एरिया है वो एक्चुअली गोवा में है। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। कौन कौन सा स्टेट का यहाँ पे डिस्प्यूट है वो भी हम थोड़ा एक बार देख लेते हैं कि गोवा, कर्नाटका और महाराष्ट्र तीन स्टेटों का लेके इस पे काफी बड़ा इश्यूज है वो था। तो अभी जो इश्यू क्या था एक बार वो भी हम देख लेते हैं। इश्यू कुछ देखो इस प्रकार था कि जो कर्नाटका, आपको बताइए कर्नाटक में बेंगलुरु सिटी है, तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने बेंगलुरु सिटी को पानी का पीने का जो पानी है वो प्रोवाइड करवाने के लिए महादाई रिवर का पानी है वो डाइवर्ट करने की कोशिश है वो की थी, और इसके लिए उन्होंने प्लान वगैरह बनाया। तो इस चीज का जो इश्यू है, इस चीज पे कंसर्न जताए गोवा ने कहा कि देखो भाई, अगर आप पानी को डाइवर्ट कर रहे हो तो हमारे लोगों की तो लाइफ लाइन है महादाई रिवर, क्योंकि महादाई रिवर वो मैक्सिमम तो गोवा से फ्लो करती है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर आप पानी को डाइवर्ट कर दोगे तो गोवा के लोगों को पानी कम मिलेगा, इसलिए वो लोग खेती वगैरह नहीं कर पाएंगे, उनको कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। तो इस चीज को लेकर विवाद है वो स्टार्ट हुआ था। इसके बाद 2010 में इस पर लेकर ट्रिब्यूनल बनाया गया था, और उस ट्रिब्यूनल का जो भी फाइनल वर्डिक्ट है वो अभी आया है, तो उसको लेके थोड़ा हम यहाँ एक बार देख लेते हैं। देखो, इस जो अभी नया वर्डिक्ट है इसमें ये प्रावधान किया गया है कि कर्नाटका है इसको 13.4 मेट्रिक क्यूबिक टन वाटर है वो प्रोवाइड कराया जाएगा, इसके साथ ही गोवा का 24 मेट्रिक टन वाटर है वो प्रोवाइड कराया जाएगा, और महाराष्ट्र को 1.33 मेट्रिक टन। तो ये सारा हमें डाटा तो याद नहीं रखना है, बस हमें ये पता होना चाहिए कि गोवा का हिस्सा है इसमें 24 रखा गया है, मतलब 24 मेट्रिक जो पानी है वो गोवा को दिया जाएगा यहाँ पे, और जो बाकी हिस्सा है वो दिया जाएगा कर्नाटक और महाराष्ट्र को। जितनी जितनी रिवर फ्लो करती है उसके अकॉर्डिंग ये डिस्प्यूट है, वो सेटलमेंट है वो किया गया है। तो उसी को लेके थोड़ा कंटेक्स्ट वो आया था, तो हमें बेसिक फैक्ट्स पता होना चाहिए, और कौन कौन से स्टेट को लेके रिवर ऑफ फ्लो करती है वो भी काफी अहम हो जाता है। और अहम बात क्या है कि गोवा की मेन रिवर है, गोवा की लाइफ लाइन भी है महादाई रिवर, तो इसलिए ये कुछ बेसिक चीजें हमें पता होना चाहिए। तो अब हम चलते हैं आगे हमारी डिस्कशन की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वह है पिच टू मूव कॉम्पिटिशन को लेके, तो एक बार इसे देख लेते हैं। देखो, पिच टू मूव जो कॉम्पिटिशन है ये बेसिकली चलाया गया है नीति आयोग, इन्वेस्ट इंडिया, इसके साथ ही सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, ये SIAM के नाम से बेसिकली जाना जाता है। तो हमें ये चीज पता होना चाहिए कि भाई यहाँ पे नीति आयोग शामिल है इस चीज में। देखो, बेसिकली ऐसे जो कोई भी कॉम्पिटिशन होते हैं ना, मैन मैन हमारी इकोनॉमी वगैरह के लिए, इन सारे मैन मैन जो भी कॉम्पिटिशन है इनके अंदर नीति आयोग है वो अपना रोल है वो कंटिन्यू हमेशा रखता है। अब बात ये करते हैं कि हमारे देश में जो डूइंग बिजनेस की बात हम करते हैं, या फिर जब बात करते हैं इंडिया में इन्वेस्टमेंट की, इंडिया की इकोनॉमी की, तो हमारे सामने एक चीज आती है कि हमारे देश में कंपटीशन है वो ढंग से नहीं हो पाता है, मतलब ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती है, कई बार करप्शन के केस सामने आते हैं, तो उसकी वजह से फॉरेन कंपनी को थोड़ा क्या है भरोसा कम होता है कि यार इंडिया में इन्वेस्ट तो कर देंगे, बट पता नहीं बाद में कैसा अगर डिस्प्यूट हो जाए और हमारा पैसा अटक जाएगा। इसी को लेके अभी नीति आयोग ने सोचा कि यार क्यों ना कंपटीशन को बूस्ट करना है, इसके साथ ही हम इस चीज पे भी फोकस करेंगे, नया टैलेंट है वो इंडिया में, और मतलब सीधी सी बात है ऑल ओवर तरीके से हम कहें तो इंडिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत बिजनेस को प्रमोट करने के लिए बेसिकली नीति आयोग का एक इनिशिएटिव है, कंपटीशन है वो स्टार्ट किया गया है। इसके देखो एम कुछ इस प्रकार है कि हमारे देश में जो स्टार्टअप्स वगैरह है ना, इनको आइडेंटिफाई किया जाएगा कि जो अच्छे अच्छे स्टार्टअप्स जो ढंग से काम कर रहे हैं, जिनके द्वारा कुछ स्पेशल मतलब कुछ क्रिएटिव आइडियाज हैं उनके, आप बोल सकते हो एक तरीके से कि जिनके आइडियाज हैं या जो कोई अच्छा सोल्यूशन प्रोवाइड करवा सकते हैं इन्वायरमेंट के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के इश्यूज के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे फैसिलिटी, इन सब के लिए। मतलब यहाँ पे फोकस किया जा रहा है कि वो स्टार्टअप्स जो कि अच्छा इनोवेटिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाएंगे, या फिर इन्वायरमेंट फ्रेंडली काम है वो करने वाले हैं, या फिर कोई ऐसी चीज है जिससे कि कहीं ना कहीं जैसे बायोफ्यूल को प्रमोट कर रहे हो, इसी के साथ ही एथेनॉल का प्रोडक्शन कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ ऐसे अच्छे काम करो बहुत ही ज्यादा ग्रीन रिवोल्यूशन के लिए, ग्रीन एनर्जी प्रोवाइड करवाने के लिए, उनको यहाँ पे क्या किया जाएगा आइडेंटिफाई करके रिवार्ड वगैरह दिया जाएंगे, उनको सम्मानित किया जाएगा, उनको मोटिवेट किया जाएगा, उनको इनिशिएटिव इंसेंटिव दिया जाएगा ताकि वो और अच्छा काम हो कर सकें।
तो ये बेसिकली इसका मोटो है वो रखा गया है। इसके साथ ही किसी ने से इंटर मॉड्यूल तैयार किया है, कि भी ऐसा स्टार्टअप जो कि लोगों को एक तरीके से मतलब अवेयरनेस के थ्रू अच्छा काम करवा रहा है, डिजिटल इंडिया को प्रमोट कर रहा हो या फिर इन्वायरमेंट फ्रेंडली इको फ्रेंडली एनर्जी है वो जनरेट कर रहा हो। इसी के साथ ही आप बोल सकते हो कि एम्प्लॉयमेंट है लोगों को वो प्रोवाइड करवा रहा हो, या फिर हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके अंदर वो हेल्प है वो कर रहा हो, या फिर इसी के साथ ही और भी जो अच्छे अच्छे मतलब इंसेंटिव वगैरह है वो उनको दिए जाएंगे। तो जो अच्छे अच्छे स्टार्टअप है उनको आइडेंटिफाई करके यहाँ पे रिवार्ड है अवार्ड है वो देके सम्मानित किया जाएगा। अब देखो स्टार्टअप के एरिया की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया कि भाई वो स्टार्टअप जो कि काफी अहम हो जाते हैं अपने सेक्टर में, जैसे कि या तो पब्लिक मोबिलिटी के लिए काम कर रहे हो या फिर वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की डायरेक्शन में काम कर रहे हो, क्योंकि आपको बताया कि जो आगे आने वाला फ्यूचर टाइम है या भविष्य है उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, तो उस सेक्टर में वो अगर काम कर रहे हो, या फिर अगर सेल ट्रांसपोर्ट या जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको अगर वो ढंग से यूज करने के लिए प्रमोट कर रहे हो। इसके साथ ही बात की जाए कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी सेटअप करने के लिए वो कोई भी कोई प्रोग्राम चला रहे हो व्हीकल्स का, या फिर जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है हमारे देश में लॉजिस्टिक सेक्टर है इसके लिए वो कुछ अच्छा काम कर रहे हो, या फिर जैसे हम बात कर सकते हैं बैटरी टेक्नोलॉजी आपको पता है काफ़ी अहम होती है उस सेक्टर के लिए अगर वो काम कर रहे हो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात है या फिर ट्रेवल हो या और इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मतलब कुछ अच्छा बहुत ही अच्छा लग से काम करेंगे उनको यहाँ पे अवार्ड देके सम्मानित किया जाएगा और उनको इंसेंटिव वगैरह तो दिए ही जाएंगे साथ में। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि पिच टू मूव जो कॉम्पिटिशन है वो बेसिकली नीति आयोग, इन्वेस्ट इंडिया और SIAM तीनों के द्वारा मिलकर स्टार्ट है वो किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वो है केस्पियंसी को लेके। तो यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है केस्पियंसी की लोकेशन। कंटेक्स्ट है एक बार उसको भी हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे, बट हमें देखो ये चीज आपको बता दूं कि जो मिडिल ईस्ट वाला एरिया आप जिसे बोल सकते हो या फिर इंडिया के लिए जो आपको बताया कि मेनली एरिया हो जाता है जिसमें कि सेंट्रल एशिया का एरिया भी आप काउंट कर लो, इसी के साथ ही मिडिल ईस्ट मतलब क्या होगा कि सऊदी अरब वाला जो वो एरिया है उस एरिया की अगर लोकेशन के बारे में हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इंडिया के लिए, और स्पेशली इंडिया के लिए नहीं यूपीएससी के लिए तो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी हर साल यहाँ से 1, 2, 3 क्वेश्चन है वो पूछती ही रहती है और डायरेक्टली मैप बेस्ड क्वेश्चन वहाँ से आते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत घुमा फिरा के पूछती है, हर साल वहाँ से एक नए क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। तो बेटर ये रहेगा कि हम उस वाले एरिया की मैपिंग को अच्छे से खंगाल लें और वहाँ पे अच्छे से डिस्कस कर लें। तो सबसे पहले तो हम केस्पियंसी की कि जो लोकेशन है वो एक बार देखते हैं। देखो केस्पियंसी की लोकेशन तो हमने काफी बार मैप में देखी है, बट यहाँ पे जो पड़ोसी कंट्रीज हैं वो देखते हैं कौन कौन सी कंट्री का बॉर्डर यहाँ पे टच है वो कर रहा है, और सीक्वेंस भी हमें पता होना चाहिए बाकायदा यहाँ की एरिया की डिटेल्स है वो हमें सारे लाइन टू लाइन पता होनी चाहिए कहाँ पे है। तो देखो केस्पियंसी है इसके एक साइड तो हिस्सा टच करता है रशिया का, एक साइड बॉर्डर टच करता है कजाकिस्तान का, और कजाकिस्तान के साउथ में है तुर्कमेनिस्तान, तो तुर्कमेनिस्तान का बॉर्डर भी इसको टच है वो करता है, और नीचे है फिर ईरान, तो ईरान का बॉर्डर टच करता है, और साइड में कंट्री आती है छोटी सी वेस्ट में जिसका नाम है अजरबैजान। अब बात करें हम यूएसएसआर जब डिसइंटीग्रेट हुआ था 1990 से पहले की बात करें तो उस टाइम पे केवल दो ही कंट्रीज का बॉर्डर टच करता था, केवल रशिया और ईरान का, क्योंकि जो रशिया था उस टाइम पे उसमें सारी कंट्रियां शामिल थी, तुर्कमेनिस्तान कजाकिस्तान अजरबैजान ये सारी कंट्रियां उस टाइम पे रशिया का ही पार्ट थी, जब रशिया डिसइंटीग्रेट हुआ था उसी के बाद ये नई कंट्रियां बनी थी। तो इसलिए थोड़ा हमें पता होना चाहिए इस मैप की लोकेशन के बारे में कि कौन कौन सी कंट्री का बॉर्डर यहाँ पे फेस है वो कर रहा है, और बाकायदा लोकेशन के तहत कि उसकी लोकेशन भी कहाँ है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सेंसिटिव ये एरिया हो जाता है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अरल सी की लोकेशन कहाँ पे है, अरल सी के बारे में आपको बताना है कि अरल सी कहाँ पे है इसके बारे में। इसके साथ ही आज आपको इलब्रुज माउंटेन के बारे में बताना है, इलब्रुज माउंटेन के बारे में भी आपको बताना है कि इलब्रुज माउंटेन कहाँ पे है और अरल सी की लोकेशन कहाँ है, इन दोनों चीजों के बारे में आपको कमेंट बॉक्स में अच्छे से बताना है। देखो बात करें जैसे केस्पियंसी है वो एक लैंड वाटर बॉडी है वर्ल्ड की लार्जेस्ट, क्योंकि इसके चारों तरफ आपको पता है कि लैंड एरिया है, कहीं भी ओशन से कनेक्ट होनी करती है, तो इसलिए इसके बेसिकली लेक के नाम से भी जाना जाता है कि भैया एक सबसे बड़ी लेक है। अब हम बात करते हैं इसके कुछ स्पेशल फीचर्स की। देखो केस्पियंसी जो वाला एरिया है ना इसके अंदर ऑयल और जो नेचुरल गैस के रिसोर्सेज हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, मतलब यहाँ पे अथाह गैस के भंडार हैं, ऑयल का प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा होता है, इसलिए इस वाले एरिया की डिमांड वो लगातार सभी कंट्रीज में बनी रहती है। अभी देखो इशू ये हो रहा था कि अगर केस्पियन सी को अगर लेक मान लें तो आपको बताया कि लेक किसी भी स्टेट या किसी भी कंट्री के बीच में आ रही हो तो उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे कि ये लेक है 5 स्टेट 5 कंट्री है इसके चारों तरफ, तो उन पांचों में इक्वल इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है और उसके अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया जाता। इसके साथ ही अगर इसको सी डिक्लेयर किया जाता है
इस कैस्पियन सागर को, तो सी में क्या होगा, यहाँ पे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मतलब ईईजेड है वो तैयार होगा 200 नॉटिकल माइल तक, और उसके आधार पे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है वो किया जाएगा। बट आपको पता है कि लेक इतनी भी बड़े एरिया नहीं है कि यहाँ पे 200 नॉटिकल माइल के अकॉर्डिंग काम है वो किया जा सके। इसलिए ये जो पड़ोसी कंट्रीज है ना आप इसकी, यहाँ पे उनमें काफी कंफ्यूजन हो रहा था कि यार हम क्या करें, इसको लेक माने या फिर हम इसको एक तरीके से सागर या मतलब एक तरीके से मतलब ओशियन मान के चले, यहाँ पे कौन से लोगों को फुलफिल करें, इसको लेकर आपस में डिस्प्यूट है वो चल रहा था। बट अभी हुआ क्या, अभी जो इसके पांचों कंट्रीज थी पड़ोसी आप बोल सकते हो जिनका बॉर्डर टच होता है, इन्होंने आपस में सर्वसहमति के थ्रू कन्वेंशन ऑन द लीगल स्टेटस ऑफ द कैस्पियन सी है वो साइन किया। मतलब इन्होंने आपस में शांति से कैस्पियन सी का समझौता है उसको सुलझा लिया, और उन्होंने एक ऐसा रास्ता अपनाया है जिसमें ना तो इसको सी माना गया है और ना ही इसको एक तरीके से लेक है झील है वो माना गया, मतलब एक बीच का रास्ता तैयार उन्होंने किया है ताकि शांति से मामला सेटलमेंट हो सके। तो कंटेक्स्ट कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इंपॉर्टेंट है इसकी लोकेशन, तो वो हमने अच्छे से यहाँ पे देख लिया। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है डीएनए बारकोडिंग के बारे में। देखो डीएनए बारकोडिंग को लेकर कंटेक्स्ट कुछ इस प्रकार आया है, जैसे कि देखो एक बार हमने पहले डिस्कस किया था कि अभी इंडियन गवर्नमेंट है वो एक बिल लेके आई है ताकि इंसान है मतलब जो भी लोग हैं इंडिया की पॉपुलेशन जनता है इसका डीएनए है तैयार, डीएनए के सैंपल है वो इकट्ठा किया जाए और उसको एक तरीके से फिर आगे यूज किया जा सके फ्यूचर में, अगर किसी भी आइडेंटिटी वगैरह को पहचानना वगैरह हो उस सब के लिए। उसी तरीके से डीएनए बैंक तैयार हो रहा है और वो भी तैयार हो रहा है एक तरीके से एनिमल्स वगैरह का, इन सब के लिए। तो उसको थोड़ा एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं। डीएनए बारकोडिंग की बात हम करते हैं तो जो डीएनए बारकोडिंग है ये बेसिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया इन दोनों के द्वारा स्टार्ट है वो की जा रही है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया ये दोनों मिलकर डीएनए बारकोडिंग है उसको स्टार्ट है वो कर रहे हैं। अब देखो डीएनए बारकोडिंग का यूज क्या होगा पहले वो समझ लेते हैं, तब हमें अच्छे से समझ में आएगा। डीएनए बारकोडिंग का मतलब सीधा से ये होगा कि कोई भी अननोन ऑर्गेनिज्म, कोई भी अननोन ऐसी कोई भी मान लो कि एनिमल का कोई किसी भी चीज ऐसी मिल गई जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है, तो उसके डीएनए सीक्वेंस है उसको चेक किया जाएगा और फिर जो भी हमारे पास पहले के डीएनए के सैंपल पड़े उनसे मिलान किया जाएगा कि हाँ यार ये कौन सी स्पीसीज से मेल खा रहा है, उसके आधार पर हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि भाई ये इस स्पीसीज से बिलोंग है वो करता है ये प्राणी है कि इस स्पीसीज में आएगा। जैसे देखो आपको पता है कि बंदर हुआ, चिंपाजी हुआ, लंगूर हुआ, ये बेसिकली एक ही तो स्पीसीज है ना, बस इसके फिर अलग अलग ये प्रारूप हैं। तो अगर जैसे कि बंदर के बारे में रिसर्च करनी हो तो बंदर का डीएनए सीक्वेंस हम देखेंगे तो कुछ हद तक थोड़ा बहुत तो चिंपाजी से मिलेगा क्योंकि उन दोनों के कुछ ना कुछ जेनेटिक ऑर्डर है वो थोड़े बहुत सेम होते हैं, तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना इजीली कि भाई ये उस वाली लिस्ट में शामिल होगा, इस वाले कैटेगरी में आने वाला है, तो उससे हम पस से पता कर सकते हैं अननोन ऑर्गन के बारे में कि वो कौन सी स्पीसीज वगैरह से बिलोंग है वो करता है। बट यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट फैक्ट और है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है इस सबसे, वो है एक मेंढक है एक फ्रॉग की स्पीसीज जिसका नाम है ऑर्नेट नेरो माउथेड फ्रॉग। ये ऑर्नेटो नेरो माउथेड जो फ्रॉग है ये बेसिकली देखो बात करें तो इंडियन पेनिनसुला और श्रीलंका वाले एरिया में पाया जाता है, मतलब महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका ये वाला एरिया और साथ में श्रीलंका वाले एरिया में ही बेसिकली है पाया जाता है, इन्हीं एरिया में एंडेमिक स्पीसीज हो जाती है। तो इसलिए से आईयूसीएन में जो इसकी प्रोटेक्शन का एरिया वो भी अभी एक तरीके से ज्यादा टाइट है, वो जगह रूल रेगुलेशन में इसको थोड़ी और ज्यादा वैल्यू है वो दी जाएगी, क्योंकि पहले उम्मीद ये की जा रही थी कि जो ऑर्नेट नेरो माउथेड फ्रॉग है ना ये बेसिकली साउथर्न एशिया में ही नहीं पूरे एशियाई रीजन में पाया जाता है, तो इसलिए इसकी ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं की जा रही थी। बट अब डीएनए बारकोडिंग के थ्रू पता चला है कि नहीं भाई ये तो रेयर स्पीसीज है, ऐसी बात नहीं है कि सब जगह पाया जा रहा हो, केवल एंडेमिक है ऑस्ट्रेलिया सॉरी जो इंडिया साउथर्न इंडिया और श्रीलंका वाले एरिया में, तो उस पर फोकस किया जाएगा। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल के बारे में। देखो कंटेक्स्ट ज्यादा कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थोड़ी सी न्यूज है वो एक बार हमें पता होनी चाहिए, तो हो सकता है इसका हम आंसर राइटिंग में कहीं यूज कर सकते हो और कहीं ना कहीं चीज के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने भी सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 1989 है उसमें अमेंडमेंट करने की बात है वो की है। बात ऐसी है कि देखो अभी गवर्नमेंट जैसे हम सब जानते हैं कि लगातार जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की फैसिलिटी है इलेक्ट्रिक व्हीकल इनको प्रमोट है वो कर रही है, तो अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट कर रही है तो उनका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए ताकि लोग इजीली आइडेंटिफाई भी कर सकें कि हाँ यार ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तो जिसे पता भी चल पाएगा इजीली कि यार इंडिया में सड़कों पर कितने इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह दौड़ रहे हैं। तो इसके लिए ये गाइडलाइन तैयार की गई है कि जो कॉमर्शियल व्हीकल होंगे जो कि ट्रांसपोर्ट वगैरह के लिए यूज किए जाएंगे उनमें क्या होगा कि जो नंबर प्लेट होगी वो नंबर प्लेट का पूरी प्लेट का कलर तो होगा ग्रीन, बट जो वहाँ पे वर्ड लिखे होंगे जैसे कि TN DL 10 वगैरह जो नंबर्स लिखे होंगे वो रखेंगे येलो वर्ड से, मतलब येलो कलर से वो वर्ड है वो लिखे रहेंगे। और बात करें नॉर्मल व्हीकल की जो कि हम डेली लाइफ में हमारे घर में यूज करते हैं पर्सनल व्हीकल के तौर पे, उनमें क्या होगा जो प्लेट है जो प्लेट का कलर है वो तो ग्रीन ही रहेगा,
और जो वर्ड लिखे रहेंगे इस पे वो लिखेंगे व्हाइट कलर से। तो ये दोनों डिफरेंस हमें ध्यान है वो रखने कि कौन कौन से कलर से क्या क्या लिखा गया है, क्योंकि मैं भी यूपीएससी की बार पूछ ले इसके बारे में। अब बात करते हैं हम ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की एडॉप्शन प्रोग्राम के बारे में। देखो कंटेक्स्ट कुछ इस प्रकार है कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में जो भी कोई भी मतलब एडॉप्शन वगैरह की प्रोसीजर हो उसको लेके भी काफी टाइम से एक तरीके से कोई भी रूल रेगुलेशन वगैरह नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में अगर एडॉप्शन की बात करें तो 8 साल पहले ही एक्चुअली कुछ इश्यूज वगैरह आ गए थे, तो उसकी वजह से जो पॉलिसी वगैरह थी उनको बीच में रोक दिया गया था कि भाई ऑस्ट्रेलिया का कोई भी नागरिक है वो इंडिया से बच्चों को अडोप्ट वगैरह नहीं कर सकता, क्योंकि हेग कन्वेंशन और बच्चों का माइग्रेशन वगैरह का या कहीं ना कहीं उनकी स्मगलिंग का इश्यू आ गया था, तो उस चीज को लेके। तो अभी कंटेक्स्ट ये आया है कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया वो दोनों मिलकर वापस इस चीज पर रीथिंक कर रही है और जो भी कमियां हैं उनको दूर करने की कोशिश कर रही है ताकि एडोप्शन पॉलिसी को वापस स्टार्ट है वो किया जा सके। तो हम बात करें इंडिया के अंदर जो भी अडोप्शन पॉलिसी है इस पे कौन काम करता है, पहले तो वो देखते हैं। देखो इंडिया के अंदर कोई भी अगर बच्चे को अडोप्ट करना है तो उसके लिए प्रॉपर पॉलिसी वगैरह है, जो भी प्रोसीजर है उनको फॉलो करना पड़ता है कारा के थ्रू। कारा इंडिया में एक स्टेचुरी अथॉरिटी है जिसका नाम, जिसको आगे बारे में आपको बता दूं, सेंट्रल एडोप्शन रिसोर्सेज अथॉरिटी, जिसका बेसिकली काम यही है कि अगर इंडिया में किसी बच्चे को अडोप्ट करना है या फिर हेग कन्वेंशन के थ्रू बच्चों को अडोप्ट किया जा रहा है या बाहर भेजा जा रहा है तो इसकी गाइडलाइन को फुलफिल करते हुए ही हम आगे जा सकते हैं। इसी के साथ ही एक कंट्री से अगर दूसरी कंट्री में बच्चा गोद लिया जाता है इंडिया में तो उसमें भी कारा का काफी अहम रोल होता है, मतलब बच्चों को अडोप्ट करना हो तो कारा के थ्रू ही बच्चों को अडोप्ट हो किया जाते हैं। ये जिन इंस्टीट्यूट को रिकॉग्नाइज करती है, मान्यता देती है, उन्हीं से बच्चों को हम अडोप्ट वगैरह कर सकते हैं। ये इसके कुछ बेसिक फीचर्स हमने देख लिए कारा के बारे में। अब बात ये करते हैं कि देखो हेग कन्वेंशन के बारे में आपने, कि हेग कन्वेंशन वो कैसे काम है वो करती है। हाँ आपको एक चीज ये बता दूं, कारा सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी है वो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है कि आप सोचो यार होम मिनिस्ट्री वगैरह में तो नहीं है। हेग कन्वेंशन देखो बेसिकली इसलिए आया था ताकि चाइल्ड राइट को प्रोटेक्ट किया जा सके। देखो हो क्या रहा था कि कई बार एक एग्जाम्पल लेते हैं, किसी मान लो कि कोई भी एक हस्बैंड है वो मान लो कि इंडिया से, वाइफ ये मान लो कि चलो पाकिस्तान से है, दोनों में शादी हुई कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर दोनों के में लड़ाई हो गई शादी के बाद और बच्चा हो गया है, उस कंडीशन में बच्चा इंडिया में रहेगा या पाकिस्तान में रहेगा? हो सकता है कि बच्चा पाकिस्तान में रहना चाह रहा हो, इंडिया नहीं आना चाह रहा हो, बट उसे फोर्सफुल इंडिया में लाया गया हो, कुछ बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं इस कंडीशन में। तो बच्चे के जो भी राइट है, बच्चा चाहता है कि जहाँ पे रहना है तो वो काम करता है हेग कन्वेंशन के थ्रू, मतलब दोनों कंट्रीज के बीच में आपस में सर्वसहमति होनी चाहिए, वो आपस में पहले से पूरा एक तरीके से जो भी उनका फ्रेमवर्क है वो क्लियर रखें कि हाँ भाई बच्चा है वो यहाँ पे रहेगा। हेग कन्वेंशन के थ्रू अगर बच्चा चाहता है कि वो यूएस मतलब पाकिस्तान में रहे तो उसको पाकिस्तान में रहने दिया जाएगा, अगर बच्चा जा रहा है उसे इंडिया में रहना है तो वो इंडिया में अपने पेरेंट्स के साथ रह सकता है, मतलब चाइल्ड राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके साथ ही एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अगर बच्चे को अडोप्ट किया जा रहा है तो हेग कन्वेंशन की जो भी गाइडलाइंस है उनको दोनों कंट्री फुलफिल करते हुए आपस में एक लिंक बनाती हैं और उसके थ्रू बच्चे को अडोप्ट वगैरह करती हैं। इसके साथ ही बच्चों के जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम किया जाता है हेग कन्वेंशन के थ्रू। तो इसके कुछ स्पेशल फीचर्स हैं, तो इसीलिए भी ये न्यूज में आया तो हमें थोड़ा पता होना चाहिए। तो वो कंटेक्स्ट तो बेसिकली इसी है कि आपको पता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर इंडिया के काफी सारे लोग वहां पे रहते हैं, तो कई बार किसी के अगर बच्चा उच्चा नहीं है तो वो चाहते हैं कि इंडिया से बच्चे को अडोप्ट किया जा सके, बट अभी दोनों इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कोई भी अडोप्शन पॉलिसी नहीं थी, क्योंकि वो बीच से सस्पेंड हुई हुई थी इसलिए काफी दिक्कत आ रही थी। तो इन सारी चीजों को, तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए अभी ये डिसीजन लिया गया कि भाई वापस से इसमें एक्टिव किया जाए और जो भी कुछ कमी है इसमें उनको दूर करके बच्चों को अडोप्शन करने की अडोप्ट करने की प्रक्रिया को आगे कंटिन्यू है वो रखा जा सके। इसके साथ एक छोटी सी न्यूज आई है, उत्तराखंड हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया है। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने काउ प्रोटेक्शन के लिए पहली बार एक ऐसा स्टेप उठाया है जिसको लेके हमारे पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। वो ये उठाया है, ये स्टेप लिया गया है उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा कि भाई गाय है उसको लीगल गार्जियन का स्टेटस है वो दिया गया है, मतलब लीगल गार्जियन ऑफ काउ है वो स्टेट में प्रोवाइड हो की गई है कि भाई गाय का भी एक लीगल जो भी मालिक है, गार्जियन है, पेरेंट्स है, वो यहाँ पे प्रोवाइड होंगे। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि काउ प्रोटेक्शन के लिए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गाय को लीगल गार्जियन के तौर पर यहाँ पे रखा है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाती है। क्योंकि कोर्ट हाई उत्तराखंड हाई कोर्ट है उसका कुछ साल पहले आपको बताया कि गंगा रिवर को लेके भी उनका काफी स्टेटमेंट आया था, यमुना रिवर को भी लेके उन्होंने लीगल एंटिटी का दर्जा दिया था कि भाई इनको भी प्रोटेक्शन वगैरह दी जा सके, तो उसी तौर पे उन्होंने अभी काउ प्रोटेक्शन के लिए अच्छा स्टेप है वो उठाया है। इसके बाद में एक छोटी सी आर्टिकल आया है, वो है एरोजेल के बारे में। देखो साइंटिस्ट ने एरोजेल का निर्माण किया है, इसके फीचर्स क्या है वो हम देख लेते हैं। एरोजेल है वो एक तरीके से ट्रांसपेरेंट टाइप की, एक जैसे लेंस नहीं होता है क्या, उसी टाइप की एक लेंस टाइप प्लास्टिक की एक चीज है जिसका फीचर्स ये है कुछ इस प्रकार की। एक तो यह ट्रांसपेरेंट है,
इसके साथ ही हीट रेजिस्टेंट है, मतलब इसमें हीट है वो एक साइड से दूसरी साइड ट्रांसफर नहीं हो सकती। और अहम बात क्या है कि इसका वेट बहुत लाइट है और काफी सस्ती मात्रा में, काफी सस्ती रेट में इसको प्रोड्यूस है वो किया जा सका है। और जो नॉर्मल जो बियर वगैरह बनती है, एल्कोहल वगैरह, इनका जो वेस्ट होता है, बियर का वेस्ट होता है, उससे बेसिकली इसको जनरेट है वो किया गया है। तो कहीं भी जो अगर ट्रांसपेरेंट हीट रेजिस्टेंट जेल चीज का यूज करना हो तो वहां पे हम एरोजेल का यूज वो कर सकते हैं। तो यूपीएससी एरोजेल के बारे में पूछ सकती है कि भाई ये एक तरीके से कंडक्शन वगैरह का काम करती है, तो नहीं, कंडक्शन का कोई काम नहीं इसका, ये हीट रेजिस्टेंट जेल है जो कि ट्रांसपेरेंट होती है और काफी सस्ती इसको प्रोड्यूस किया गया है ताकि इसका आगे बहुत अच्छा स्कोप है। तो ये तो थी हमारी डिस्कशन, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने महादेव रिओ डिस्प्यूट के बारे में जाना कि अभी गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में फाइनल वर्डिक्ट आ गया है और आपस में सेटलमेंट वो किया गया है। इसके बाद हमने नीति आयोग का पिच टू मूव कन्वेंशन के बारे में जाना। इसके साथ ही हमने केएसपीएनसी की लोकेशन देखी और केएसपीएनसी को लेकर जो कन्वेंशन ऑन द लीगल स्टेटस ऑफ द केएसपीएनसी है इसके बारे में जाना। इसके साथ ही डीएनए बारकोडिंग के फीचर्स देखे और हमने ऑर्नेट नेरो माउथेड फ्रॉग के बारे में जाना। इसके साथ ही हमने बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल के लिए जो नई पॉलिसी आई है, ट्रांसपोर्ट जो अमेंडमेंट किया गया है सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल में, उनके बारे में हमने यहाँ पे जाना। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने नई एडॉप्शन पॉलिसी के लिए आपस में बातचीत स्टार्ट की है ताकि नए रिश्ते वापस से सुधारे जा सकें। और एडॉप्शन पॉलिसी के लिए जो कारा है, जो कि इंडिया में स्टेचुरी अथॉरिटी है, उसके दो बारे में हमने कुछ बेसिक फीचर्स यहाँ पे डिस्कस किए। इसके साथ ही हमने जाना कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गाय को लीगल गार्जियन के तौर पे दर्जा दिया है ताकि गौ प्रोटेक्शन के लिए स्टेप है वो उठाए जा सकें। इसके साथ ही हमने एरोजेल के बारे में जाना जो कि एक ट्रांसपेरेंट हीट रेजिस्टेंस जेल है जिसका यूज हम हीट रेजिस्टेंस के तौर पर कर सकते हैं। तो ये तो थी आज की हमारी डिस्कशन। फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।